डॉक्टर, वैसे तो मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखती, पर पता नहीं क्यों आजकल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। रचना, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस इन ब्रीफ? डॉक्टर, आई कांट एक्सप्लेन, बट कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन मेरी पिक क्लिक करता है और उसका चेहरा हर मिनट में बदलता हो। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कैन यू प्लीज टेल मी योर डेली रूटीन? लाइक तुम कहाँ रहती हो, किसके साथ रहती हो, कब सोती हो, कब उठती हो, फैमिली में कौन कौन है? टू बी ऑनेस्ट, अभी तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ और कुछ नहीं करती। इस सिटी में अच्छी जॉब मिली तो फैमिली को छोड़कर यहाँ आ गई। न्यू सिटी, न्यू जॉब, न्यू फ्रेंड्स और एक स्पेशल फ्रेंड भी, आरुष। अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, अच्छे खर्चे, पार्टी एंड ऑल। आरुष और मैं लिव इन रहने लगे। पापा को पता चला तो उन्होंने मुझे फैमिली से पूरी तरह अलग कर दिया। कुछ दिन बाद जॉब छुट्टी तो सारे फ्रेंड्स भी अलग हो गए और आरुष भी। अभी ना जॉब है, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स और ना आरुष। तो ये रीज़न है। रचना, तुम्हें और तुम्हारे ब्रेन को दोस्तों की और बिजी रहने की आदत हो गई है। अब जबकि तुम बिल्कुल अकेली हो तो तुम्हारे ब्रेन को जो नहीं मिल रहा है वो उसे खुद क्रिएट कर रहा है। ये तुम्हारे ब्रेन के ही क्रिएशंस हैं जो तुम्हें बार बार दिखती हैं। डॉक्टर, आई एम गोना मैड, क्या मैं पागल हो रही हूँ? ओह माय गॉड, मैं पागल हो रही हूँ। कूल, जस्ट रिलैक्स, दिस इज फर्स्ट स्टेज, ओके? यू डोंट वरी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस तुम्हें इन फेक फ्रेंड्स को अपने दिमाग से निकालने के लिए कुछ रियल फ्रेंड्स बनाने की जरूरत है। मींस यू नीड सम फन, फ्रेंड्स, पार्टी, मस्ती, लव, रोमांस। एक्चुअली यू नीड अ बॉयफ्रेंड। डॉक्टर, आर यू किडिंग मी? नो, आई एम नॉट किडिंग यू। एक्चुअली दिस इज नॉट अ फिजिकल प्रॉब्लम, दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर आना है तो तुम्हें इंजेक्शंस और मेडिसिंस की नहीं बल्कि एक रियल फ्रेंड की जरूरत है। ओके, बट इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड? टेस्ट ऑफ मुंबई, सिद्धार्थ, ही विल हेल्प यू। सिद्धार्थ? यस। आई एम रचना, डॉक्टर नैना। ओह या या, हाउ आर यू? फाइन, एंड यू? आई एम फाइन, प्लीज सिट। थैंक यू। अब नेक्स्ट संडे? संडे इज टू लेट। देन टुमारो? कल। क्यों, बिजी हो? नहीं, इट्स ओके, टुमारो। फिर मैं कल पिक कर लूंगा। ओके। रचना, वन मिनट। थैंक यू। थैंक यू नहीं, सेंड करना। हाँ बिल्कुल, ओके बाय। हाय। सॉरी। सॉरी क्या? एम आई नो यू? हे, आई एम सिद्धार्थ, यस्टरडे वी मेट। ये क्या मजाक है, सिद्धार्थ कहाँ है? अरे बाबा, मैं ही सिद्धार्थ हूँ। ये अब ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा क्या, अगर नहीं मिलना था तो बोल सकती थी, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक इट्स मिस कम्युनिकेशन, लेट मी चेक। हे, आर यू ओके? या, आई एम ओके, बस थोड़ी तबीयत खराब है। नो, इट्स ओके। आई एम रियली सॉरी। हे रचना, इट्स ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कल मिलें। नो, आई एम फाइन। चलो बैठो।
थैंक्स. नो थैंक्स. हे रचना. या बाय. हेलो. गेस करो कहाँ हूँ. कहाँ हो. ओपन द डोर. सीरियसली. या ओपन द डोर. तुम मजाक कर रहे हो. नाउ. ओह माय गॉड आई एम कमिंग. हेलो. ये क्या मजाक है और ये बाहर कौन है. अरे मैं ही तो हूँ. तुम्हें हो गया है. Do you think I am mad? तुम सिद्धार्थ नहीं हो. Where is he? Okay. I am not Siddharth. You just go to hell. मैं जा रहा हूँ. Now what? Sorry. What? I'm really sorry. Just leave that. How you feel now? Better. You will feel more better. Just have it. हाय बेबी. गुड मॉर्निंग. या गुड मॉर्निंग. फीलिंग बेटर. बस थोड़ा सा सर में दर्द है. कौन है तुम. हे आई एम सिद्धार्थ. तुम सिद्धार्थ नहीं हो. हे आई एम सिद्धार्थ. जस्ट लीव. जस्ट लीव. तुम्हें पागल लड़की हो. निकल जाओ यहाँ से. तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है. जस्ट गेट आउट. हेलो. हेलो डॉक्टर. वो सिद्धार्थ. जस्ट स्टॉप क्राइंग. टेल मी व्हाट हैपेंड. डॉक्टर वो सिद्धार्थ. हेलो सिद्धार्थ. आई एम डॉक्टर नैना हेयर. क्या डॉक्टर. हाउ आर यू. मैं ठीक हूँ. पर तुमने रचना के साथ क्या किया है. क्या किया. कौन रचना. रचना वो लड़की जिसे मैंने तुम्हें टेस्ट ऑफ मुंबई में मिलने के लिए भेजा था. ओह हाँ याद आया. पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं आया था. मैंने भी कुछ देर वेट किया. कुछ देर बाद मैं भी वहाँ से निकल गया. ओ माई गॉड. सिद्धार्थ मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ. ओके. ओके डॉक्टर. हेलो रचना. यू आर विद योर ब्रेन्स क्रिएशंस. ओके. नॉट विद द एक्चुअल वन. असली सिद्धार्थ से तुम अब तक मिली भी नहीं हो.
वो सब तुम्हारे ब्रेन की क्रिएशंस हैं।